नमस्कार किसान भाइयों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियाज व्हीकल पे। आज मैं सबसे दमदार महिंद्रा का वाइट ट्रैक्टर का वीडियो लेकर आया हूं, जो कि छोटे से लेकर बड़े किसानों के लिए काफ़ी किफ़ायती है। तो वीडियो को पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी मेरा वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। आज मैं इस ट्रैक्टर का पूरा फ्यूल रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो इस ट्रैक्टर में किसान भाइयों आपको यहाँ पे काफ़ी दमदार इंजन मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे बात की जाए किसान भाइयों तो आपको ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिकली चॉक सेंसिंग में एयर क्लीनर को कंपनी ने दे रखा है, जिससे किसी तरह से अगर इंजन में आपके खरपतवार से अगर फिल्टर एयर अच्छे से नहीं आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में सीधे के सीधे मिलने वाली है। फ्रंट में अच्छे एयर इनटेक के लिए यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा दिया गया है, जिससे काफ़ी बेहतरीन हवा इंजन तक जाती है। साथ में यहाँ पे किसान भाइयों इंजन को ठंडा रखने के लिए काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर में आपको रेडिएटर मिलने वाला है। साथ में फैन ब्लेड की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 1 लीटर का कूलेंट कूल रिजर्वेटर के साथ कंपनी ने मल्टी जाली के साथ स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। वहीं किसान भाइयों यहाँ पे पंप की बात की जाए तो इंडियाज मोस्ट ट्रस्टिंग ब्रांड इंडियाज में बोस कंपनी के ट्रैक्टरों में काफ़ी बढ़िया तरीके का पंप आता है, वही पंप स्ट्रक्चर में आपको मिलने वाला है। साथ में सिंगल डीजल फिल्टर आपको बोस कंपनी का स्ट्रक्चर में कंपनी ने दे रखा है। 2.5 किलोवाट का हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्टर स्ट्रक्चर में आपको मोटर मिलने वाला है, जिससे ट्रैक्टर इजीली स्टार्ट हो जाता है। साथ में आपको यहाँ पे किसान भाइयों मिलता है एक छोटा सा टूल बॉक्स, जिसमें आप अपने छोटे मोटे सामान अच्छे से रख सकते हैं। यहाँ पे पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो डुअल एक्टिंग में आपको स्ट्रक्चर में काफ़ी बेहतरीन शील्ड के साथ दिया गया है, जिससे आपकी टर्निंग रेडियस काफ़ी इन्हेंस हो जाती है स्ट्रक्चर में काफ़ी बेहतरीन तरीके से। फ्रंट में आपको एडजस्टेबल एक्सल नहीं देखने को मिलेगा। साथ में किसान भाई फ्रंट टायर साइज की बात की जाए तो 616 का आपको काफ़ी बड़ा साइज स्ट्रक्चर में दिया गया है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन हो जाता है। और बेयरिंग की बात की जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ दिया गया है। इंजन की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको किसान भाई 2100 रेटेड RPM पे 39 HP में 2148 CC का इसमें इंजन दिया गया है, जो कि आपको 135 न्यूटन मीटर टॉर्क का नेचुरली स्प्रेड के साथ स्ट्रक्चर में काफ़ी हैवी ड्यूटी टॉर्क वाला दिया गया है। फ्रंट में आपको किसान भैया फ्रंट माउंटेड बोनेट स्ट्रक्चर में मिलने वाला है, जो कि पुल पोस्ट बटन के साथ दिया गया है। बोनेट पे आपको महिंद्रा 275 DITU का बैचिंग देखने को मिलेगा, जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर देता है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ इसमें दिया गया है। PP टेक्नोलॉजी के साथ AMG इंजन 3 सिलेंडर का इसमें दिया गया है। साथ में यहाँ पे बात की जाए तो इन ट्रैक्टरों में सबसे पहली बार 6 साल का स्ट्रक्चर में स्टैंडर्ड वारंटी आपको स्ट्रक्चर में मिलने वाला है। यहाँ पे 60 लीटर का हैवी ड्यूटी आपको दिया गया है इसका डीजल टैंक, जिसे बिना रिफिलिंग लंबे समय तक काम कर सकते हैं। फ्रंट लाइट की बात की जाए तो आपको नैरो में इसमें डिजाइनिंग की हुई मिलेगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से फ्रंट विजिबिलिटी के लिए स्ट्रक्चर में डिजाइन किया हुआ है। साथ में आपको महिंद्रा के यहाँ पे बैजिंग देखने को मिलेगा, जो कि क्रोम ट्रीटमेंट के साथ दिया गया है। वहीं अच्छे एयर इनटेक के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर में आपको इसकी जाली देखने को मिलेगी। यहाँ पे किसान भाइयों इसकी पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक पंप को साथ में डिजाइन किया गया है, जो कि मेंटेनेंस के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी बेहतरीन स्ट्रक्चर में दिया गया है। हाइड्रोलिक पंप फिल्टर की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा सेगमेंट में आपको स्ट्रक्चर में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रेशर को मेंटेन किया रहता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको 75 Ah का स्ट्रक्चर में हैवी ड्यूटी बैटरी दी गई है, जिससे इलेक्ट्रॉनिकली किसी तरह से दिक्कत नहीं आने वाली है। ब्रेक की बात की जाए तो मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आपको पूरी की पूरी ऑयल इमर डिस्क ब्रेक के साथ स्ट्रक्चर में दी गई है। साथ में प्लेटफॉर्म पूरी की पूरी फ्लैट रखी गई है। ADDC कंट्रोल आपको टूलीवर में मिलने वाला है, जिससे आप मल्टी इम्प्लीमेंट स्ट्रक्चर से आसानी से चला सकते हैं। पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट काफ़ी खूबसूरती के साथ स्ट्रक्चर में डिजाइन किया हुआ मिलने वाला है। रियर टायर सेट की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको 13/6/28 के साथ 14/9/28 का ऑप्शनल में दिया गया है, जो कि आपको अच्छे ग्रिप के साथ हैवी ड्यूटी में स्ट्रक्चर में अपोलो का टायर के साथ स्ट्रक्चर में दिया गया है। रिम की बात की जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ डिजाइन किया हुआ मिलने वाला है। रियर नाइट विजिबिलिटी के लिए किसान भैया आपको यहाँ पर मिलता है गोल में इसका रियर टेल लैम्प, साथ में आपको ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिया गया है। यहाँ पे फ्रंट आपको वेट अभी पीछे में मिलने वाला है, जो कि डिलीवरी समय आगे कसा जाएगा। वहीं पे किसान भाइयों आपको 12 वोल्ट का एडिशनल लाइट सॉकेट के साथ यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। यहाँ पे किसान भाइयों आपको मिल जाता है इसका मैनुअली पार्किंग,
यहाँ पे बात की जाए एडीडीसी सेंसिंग की, तो काफी बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर में दिया गया है, जो कि सिंगल लिंकेज के साथ आपको यहाँ पे सिंगल ऑक्सिलरी बल्ब के साथ कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। पीटीओ आउटपुट की बात की जाए, उससे पहले यहाँ पे आपको मिल जाता है 1600 केजी लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ इसका हाइड्रोलिक, जो कि थ्री लिंकेज के साथ काफी बेहतरीन कंपनी ने डिजाइन किया हुआ है। 34 HP आउटपुट के साथ यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको ग्राउंड प्लेयर पीटीओ के साथ दिया गया है, साथ में आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके का हिंच दिया गया है। वहीं SFC की बात की जाए तो यहाँ पे 242 के साथ स्ट्रक्चर में काफ़ी लो फ्यूल कंजप्शन के साथ दिया गया है। पीटीओ आउटपुट की बात की जाए तो 26.5 किलोवाट का स्ट्रक्चर में दिया गया है। वहीं किसान भाइयों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। यहाँ पे पीटीओ लीवर की बात की जाए तो कारो जैसा ऑपरेटेड में आपको देखने को मिलेगा। साथ में सीट की बात की जाए तो काफ़ी लग्जरियस कुशनिंग के साथ स्ट्रक्चर में दिया गया है, जिससे आप लंबे समय तक स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस ले सकते हैं। वहीं किसान भाइयों, डैशबोर्ड की बात की जाए तो पूरी की पूरी कारो जैसा आपको स्ट्रक्चर में डिजिटल और एनालॉग के साथ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पार्किंग इन्फॉर्मेशन, टेम्परेचर मीटर, कितने घंटे ट्रैक्टर चली है, साथ में इलेक्ट्रॉनिकली चौक सेंसिंग दिया गया है। वहीं फ्रंट लाइट कंट्रोल स्विच कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा अपर डिपर के साथ। साथ में यहाँ पे 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जिंग सॉकेट स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे छोटे से पॉकेट के साथ दिया गया है। स्टेयरिंग व्हील की बात की जाए तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिजाइन में स्ट्रक्चर में आपको मिलने वाला है। साथ में गियर बॉक्स की बात की जाए तो आपको सेंटर शिफ्ट में मिलने वाला है। बड़े वाले लीवर में रिवर्स 1, 2, 3, 4 का ऑप्शन दिया गया है, जिससे इसकी फ्रंट स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है। छोटे से में आपको मिल जाता है यहाँ पे हाई लो के साथ, जिसमें आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, काफ़ी बेहतरीन ड्राइव के साथ इस ट्रैक्टर को कंपनी ने महिंद्रा ने लॉन्च किया है। तो ये था रिव्यू किसान भाइयों महिंद्रा का 275 DITU का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। और आगे आप लोग इतना प्यार दिए हैं तो और भी मेरे वीडियो को देते रहें। धन्यवाद।